अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम फाइनली बैक आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आज मेरे साथ मेहमान है, मीट माय कजन मिस्टर अरहम एंड माय सेकंड कजन मिस्टर शाफी। आज हम लोगों ने इरादा ऐसा किया था कि हम लोगों ने जाने चप्पर, लेकिन हमारी आंख लग गई किस्मत से। सुबह में 7 बजे उठा, हमारे प्रोग्राम से हम लोग 7 बजे रवाना हो जाएंगे चप्पर रिफ्ट के लिए, लेकिन आंख खुली तो 11 बजे। तो चप्पर रिफ्ट है भी 100 किलोमीटर के फासले पे क्वेटा से। तो हम लोगों ने सोचा भाई, अच्छा मेरा एक और कज़न आया है कराची से, तो हम लोगों ने सोचा कि उसको मैंने बोला चप्पर रिफ्ट दिखाना है, तो हम लोग लेट हो गए। सोचा अब क्या करें, हम लोगों ने सोचा आज जाते हैं कहीं और पिकनिक पे। तो हम लोग निकल गए कराची के रास्ते में हमें एक पार्क नज़र आया, मैदान में एक पार्क नज़र आया, और उधर हम लोग आ गए। और उधर फिर हमें एक पहाड़ नज़र आया, जो हम लोगों को कि हम लोगों ने सोचा भाई हाइकिंग तो बनती है, और हम लोगों ने सोचा कि हम लोग फिर इस पे चढ़ते हैं और जो है टॉप करेंगे। हाँ, जिन लोगों ने सोचा भाई हाइकिंग तो बनती है, कैसा रहा फिर? फिर हम लोगों ने, अच्छा मैं जो अभी शूट कर रहा हूँ, हम लोग टॉप पे इस वक्त, हम लोग टॉप पे हैं पहाड़ के, और मतलब इस पे तो चढ़ना इस वक्त बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत डेंजरस है। और हम लोग टॉप पे पहुँच गए और उस तरफ सीन है मेरे पीछे। वो वाला टॉप करें हम लोग। कौन सा पेड़ दिखाना? ये वाला, ये एक बड़ा है एक छोटा है, ये वाला टॉप करें क्योंकि वहाँ से जो है सारा व्यू नजर आएगा। फिर सीन तो बनता है भाई, सीन तो बनता है। Why am I shooting after a very long time? क्योंकि मेरे exams चल रहे थे board के, और मेरे 3 exams हो गए थे, फिर पता चला कि कोरोना वायरस की वजह से पोस्टपोन हो गए एग्जाम्स। फिर 15 मार्च तक पोस्टपोन हो गए, 15 मार्च को फिर गया पता चला और मजीद 5 अप्रैल तक पोस्टपोन हो गए। फिर आज हम लोगों ने सोचा कि चिल्तन पहाड़ चलते हैं, और चिल्तन पहाड़ की तो बहुत कहानियाँ हैं, मैं आपको उसका भी बताता हूँ। और फिर कजन्स के साथ हाइकिंग करने का तो कुछ और ही मज़ा होता है, और ऐसा सीन पीछे मैदान वादियाँ खुला आसमान। लोग बोलते हैं ऐसी जगहों पर ना जाओ कोरोना वायरस से, कोरोना वायरस ऐसी जगह पर बिल्कुल नहीं होता। इस जगह पे इधर सिर्फ आपकी फ्रेश हवा है, और आप और आपके साथ कई और है। तो यार हम लोगों ने टॉप कर लिया और आपको कुछ अच्छे से सीन भी बना के दिखा दिए, और अब हम लोग सोच रहे हैं कि अब हम लोग उतरे और आपको कुछ और अच्छे से सीन दिखाते हैं। इधर बहुत अच्छा सा पार्क है, इधर मतलब स्विमिंग पूल टाइप है, तालाब है, और बच्चों के लिए झूले हैं। और फिर हमेशा जैसे बॉनफायर करते हैं वो करेंगे, खाना बनाएंगे और खाएंगे, उसकी भी आपको वीडियो बनाएंगे और दिखाएंगे। ये तो आज हम लोग उतरते हैं, मजे करते हैं, आप तो भी हम लोग साथ रहे। उतरना मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है भाई, चलना इजी हो बहुत, और ऐसी जगह पे फिर तो क्या ही क्या उतर रहे हैं। तो यहाँ के सीन्स कुछ ऐसे हैं, और ये एक हमारा कज़न जो कि हम लोग की तस्वीरें खींच रहे हैं। गाइस हम लोग वो उधर टॉप करके आ रहे हैं उधर, और हम लोग नीचे पहुंच गए तकरीबन, बस थोड़ा सा रहता है और हमारा खाना रेडी है। हम लोग जाके खाना खाएंगे और आपको उसका सीन बनाएंगे और आपको बताएंगे हम लोगों ने खाने में क्या बनाया है। हम लोग का खाने का टाइम, तो हम लोग की वो पड़ी हुई है देख। हम लोग जब तक हाइकिंग कर रहे थे, मेरे वालिद ने, हम लोगों ने आज डिसाइड किया कुछ डिफरेंट बनाया, क्योंकि हम लोग हमेशा कढ़ाई बनाते हैं, आज हम लोगों ने कीमा बनाया। तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ कीमा किस तरह बना। गुड, आप देखनी चाहिए बेहतरीन तस्वीर। पियोगे? अभी आपको दिखाते हैं।
अच्छा तो गाइस यहाँ पे एक छोटा सा पार्क बना हुआ है और इस पार्क में स्विमिंग पूल है और मतलब बच्चों के लिए झूले हैं और जो है ड्रैगन भी है। तो हम आपको इस पार्क में कुछ शूज दिखाते हैं। एक छोटा स्विमिंग पूल भी बना हुआ है। और अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा गिव इट अ थम्स अप, कमेंट बिलो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस एनी वीडियो।